दोस्तों आपको पता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का तमगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी अप्रूवल रेटिंग 77% चल रही है। दूसरे नंबर पर इस समय मेक्सिको के प्रेसिडेंट ओब्राडोर हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 66% है। इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो सिर्फ 37% अप्रूवल रेटिंग लेकर बैठे हैं और 8वें पायदान पर हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी किसी एजेंसी के सर्वे में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर सामने आए हैं। समय समय पर ऐसे सर्वे होते रहे हैं जो ज़्यादातर पीएम मोदी ही पहले स्थान पर देखे गए हैं। बड़ी बात यह है कि 9 साल बाद भी उनकी अप्रूवल रेटिंग 70% से ज़्यादा बनी हुई है, यानी कि उतने लोग अभी भी उन्हें पसंद करते हैं। इसी के चलते भारत के पड़ोसी देश भूटान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। आइए जानते हैं इस बारे में। वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो भूटान का सबसे बड़ा सम्मान है और यह जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। हालांकि पीएम मोदी पूरी दुनिया में भूटान के इस सम्मान को हासिल करने वाले पहले नेता बने। पीएम मोदी को यह सम्मान मिलने का ऐलान भूटान के राजा ने 17 दिसंबर 2021 को 114वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान किया था। बता दें, जब पीएम मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए, जहां वो 22 और 23 मार्च को भूटान में रहे। पीएम भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को बनाए रखने के लिए भूटान का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी यह सम्मान हासिल करने वाले पहले विदेशी नेता बने। दरअसल पीएम मोदी को ड्रुक ग्यालपो भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी सेवाओं के चलते दिया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के अलावा पीएम मोदी को दुनिया भर के प्रतिष्ठित शख्सियतों द्वारा कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनकी लोकप्रियता सिर्फ भूटान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इससे पहले भी 7 सालों में 9 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से लेकर रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू तक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्र की इस दिव्यता के पीछे जो प्रचुर आस्था है, उसे बस राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में देखना सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत को आध्यात्मिकता, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी लोकतंत्र बनाया है। हर तरह से देश को एकजुट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सफलता हासिल की है, वह कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सका। उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच संबंध को मजबूत करना उद्देश्य उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच संबंध को मजबूत करना है। इस प्रकार के नेता के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।